click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी स्किल सक्सेस पर। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे JVBNL हेल्पर 2 की जो फाइनल आंसर की आई है उसके साइट के ओपन न होने के बारे में और कब तक होगी साइट ओपन उसके बारे में चर्चा। ठीक है फ्रेंड्स, कोई ऑथेंटिक नहीं है, ओनली अपने चर्चा करेंगे कि इस पर क्या रिस्पॉन्स हो सकता है क्या नहीं हो सकता। जो जानकारी है वो हमने डिटेल में देंगे और विद प्रूफ देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अंत में इस वीडियो से रिलेटेड अपना कमेंट है वो हमें करके ज़रूर बताएं और जो भी वीडियो में हमारी कमी रहती है वो भी हमें ज़रूर बताएं कि क्या कमी है, जिससे कि हम आने वाली वीडियोस में उस कमी को सुधार के थोड़ा आपके लिए अच्छी प्रकार से वीडियो बना सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं इसकी साइट के ओपन न होने की वजह और कब तक होगी ओपन इसके बारे में। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ कि फ्री जॉब अलर्ट एक ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पे ऑल इंडिया जो जॉब्स है उसके नोटिफिकेशन आंसर की रिजल्ट वगैरह उससे रिलेटेड कोई भी जानकारी है वो आती है। तो उसमें एक राजस्थान का स्टेट का अलग से ऑप्शन रहता है, उस पर क्लिक करने पर अपने को ये मिलता है कि JVBNL हेल्पर 2 आंसर की इसका अलग से ऑप्शन मिलता है। क्विक लिंक्स, यहाँ पे वही रिस्पॉन्स आते हैं जो अभी थोड़े ही दिनों में आए हुए हों, जैसे RPSC सीनियर टीचर आंसर की आई है तो वो यहीं पे आई है JVBNL हेल्पर 2 की आंसर की। इस पर क्लिक करने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है, ये वाली जो साइड है ये अपने को प्राप्त होती है। यहाँ पे क्या है, फाइनल आंसर की, क्लिक हेयर, फाइनल आंसर की का ऑप्शन आ रहा है और क्लिक का भी ऑप्शन आ रहा है, मतलब आंसर की है वो रिलीज़ हो चुकी है। इस पर कोई दो राय नहीं है कि आंसर की रिलीज़ नहीं हुई है। हाँ, लिंक पे प्रॉब्लम आ रही है लेकिन आंसर की रिलीज़ हो चुकी है 20 फरवरी को, लेकिन आज हो गई है 24 फरवरी, 4 दिन हो गए लिंक ओपन नहीं हो रहा है। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद ये आ रहा है HTTP एरर 503, द सर्विस इज़ अनअवेलेबल। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन अगर यही साइड अपने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो JVBNL हेल्पर 2 की ऑफिशियल वेबसाइट है ये मैंने खोल ली, उस पर एक ऑप्शन है फाइनल आंसर, इस पर क्लिक करते हैं तो अपने को कल की डेट में पहले यही आ रहा था, ये जो इसमें आ रहा है यही इसमें आ रहा था, लेकिन कल की डेट में एक अलग प्रकार से आ रहा है। क्या आ रहा है ये देखिए, रिवाइज आंसर की लिंक विल ओपन शॉर्टली। इसका मतलब है कि रिवाइज आंसर की, फाइनल आंसर की का जो लिंक है वो जल्दी ओपन हो जाएगा। कल से ही आ रहा है, परसों मैंने खोली थी तब वो ही आ रहा था, लेकिन कल से इसका ये रिस्पॉन्स आ रहा है। तो इसका मतलब है कि बोर्ड जल्द ही इसके आंसर की रिलीज कर देगा। हमारे सूत्रों अनुसार हमें जानकारी मिली है कि आंसर की कल की डेट में रिलीज हो जाएगी। ऑथेंटिक नहीं बता सकते, एक्सपेक्टेड है, अपने चर्चा कर रहे हैं, कल की डेट में रिलीज हो जाएगी या फिर आज ही शाम तक हो जाएगी। तो आप वेबसाइट पर नज़र बनाए रखिए, हम भी बनाए रखते हैं, जैसे ही ओपन होती है आपको सूचना दे दी जाएगी, आप आंसर की चेक कर पाएंगे। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो जाती है, बोर्ड नहीं चाहता है कि स्टूडेंट्स परेशानी में रहे, क्योंकि स्टूडेंट्स की परेशानी में रहने की वजह से बोर्ड को कोई प्रॉफिट वगैरह तो होगा नहीं, ऐसा तो होगा नहीं कि 1 लाख या फिर 1 करोड़ स्टूडेंट्स जो परेशानी में है तो बोर्ड को कुछ रुपए वगैरह मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बोर्ड की कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से जो लिंक है वो ओपन नहीं हो रहा है, जल्दी बोर्ड इसको ओपन करने का प्रयास कर रही है और ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही ओपन होता है आपको जो डिटेल्स है वो मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप बोर्ड में कमियां मत ढूंढिए, सॉल्यूशन बताइए, क्योंकि कमियां सबको निकालनी आती है लेकिन सॉल्यूशन किसी के पास नहीं है। तो आप सॉल्यूशन बताइए जिससे कि बोर्ड को भी आसानी मिले और स्टूडेंट्स जो इंतज़ार कर रहे हैं उनको भी आसानी मिले। कमियां निकालना सबको आता है, सब कमियां निकाल सकते हैं लेकिन सॉल्यूशन देना किसी को भी नहीं आता। तो फ्रेंड्स, ये थी अपनी आज की वीडियो, इस पे चर्चा है। तो आपका इसके बारे में जो लिंक ओपन नहीं हो रहा है या फिर इस वीडियो के बारे में क्या राय है, क्या कहना है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो में अगर कोई आपको गलती लगती है तो मैं तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ, कुछ ज़्यादा बोल गया हूँ तो भी
तो फ्रेंड्स हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं हमारी गलती भी और अपनी राय भी। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।